पब्लिक की तरफ बुलाइए थोड़ा बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शिकारी महिला मंडल की जानिब से मुस्लिम चौक पर एक प्रोग्राम यानी कि कैंडल मार्च किया गया। ये कैंडल मार्च जो आयशा नामी एक लड़की जो अहमदाबाद में सुसाइड करके अपनी जान दी है, इस्लाम में सुसाइड करना, खुदकुशी करना हराम है और ऐसे हराम चीज़ करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। आजकल के लड़कियां छोटी सी बात को बर्दाश्त ना करते हुए ऐसे कदम उठा रहे हैं। आप खुदकुशी करने से पहले, जहेज के ऊपर अगर आपको जुल्म हो रहा है, खुदकुशी करने से पहले आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। आपकी माँ जो 9 महीने आपको पेट में रखकर आपकी आपको पाल बोस कर आपको शादी करके देती है, जब आप माँ बाप की बात ना सुनकर 4 दिन की आए हुए लड़के की बात सुनकर आप अपनी जान गंवा देते हो, तो मैं इस चीज़ से हम मजम्मत करते हैं, ऐसे चीज़ ना करें। अब आयशा का केस होने के बाद ऐसे केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं तमाम लड़कियों से, खवातीन से जो शादीशुदा है, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ ऐसे कदम उठाने से पहले पहले आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। और ये एक आयशा एक ऐसी मिसाल बन गई है जो पूरे दुनिया के लिए, उसका वीडियो वायरल होने के बाद हर एक लोग एक ट्रेंड बनाए हुए हैं, हमारी लड़कियां ट्रेंड बनाकर अपने आप को खुदकुशी करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे कानून हैं, सेक्शन 498A डाउरी हरासमेंट को लेकर। अगर आपको आपको पर डाउरी हरासमेंट हो रहा है, आप जाइए, महिला पुलिस स्टेशन है, महिलाओं के लिए महिला पुलिस स्टेशन स्पेशली बनाया गया है, कोर्ट है, कचहरी है, एरिया लोकल पुलिस स्टेशन है, और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, महिला मंडल ओपन किए गए हैं, वहाँ पर जाकर अपनी बातचीत कीजिए। अगर वहाँ पर भी नहीं, उससे पहले मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करती हूँ, अगर आपकी बेटी पर जुल्म हो रहा है तो पहले आप अपनी बेटी को ये मत बोलिए, आप बर्दाश्त कीजिए, इज्जत का सवाल है, ऐसा बोलकर अपनी बेटी को वापस मत भेजिए। इसी के लिए कहीं ना कहीं माँ बाप ना साथ देने की वजह से लड़कियाँ ऐसे कदम उठाते हैं, तो ऐसे कदम ना उठाइए। अगर ऐसा कदम उठाते रहेंगे तो ये कुत्तों को आप लोग और आवारा कर रहे हैं, ये कुत्तों को जहेज दे देकर अपने खुदकुशी कर कर ये कुत्तों को आवारा कर रहे। आवारा करने से अच्छा अपने आप को हिम्मत और अफजाई से आप आगे बढ़िए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैडम बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमन शिकारी है। मैं एक बेटी होने के नाते तमाम माँ बाप से गुजारिश करती हूँ अपनी बेटी की शादी